रूप आया दुल्हन वाला ऐसा ऐसा वाह अच्छा तारीफ कर रहा। हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं इकरीब की बारात पर और ये वीडियो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। वो तो है, तो लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, इकरीब इकरा और उनके हस्बैंड जो अरीब, आई थिंक अरीब अरीब आई होप रॉन्ग नहीं बोल रहा, लेकिन अरीब ही है शायद से, अभी बहुत टाइम से हमने रिएक्ट नहीं किया है, तो आई थिंक अरीब ही है। वो तो है, तो लेट्स सी की बारात में क्या होता है। आज है मेरी बारात। मेरे लिए ये स्पेशल के साथ साथ बहुत इमोशनल मोमेंट भी है। ये मैंने जिंदगी में पहली बार नोज पिन पहनी, इतना बड़ा नोज पिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज माय हस्बैंड्स फुल लुक माशाल्लाह। बहुत अच्छा, पिछले व्लॉग में देखा कि मैं अपने घर के लिए अपनी चीजों के लिए पैकिंग कर रही थी और मेरी जो है वो मेकअप कॉल बहुत जल्दी थी। आप सोच रहे होंगे कि आज अभी इतने बड़े उस तरह के हुलिये में आके इसने व्लॉग स्टार्ट किया अपनी बारात वाले दिन, तो मैं सोई नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, टाइम इस वक्त रात का बज रहा है 2 और आज मेरी बारात और मैं आज रात नहीं सोने वाली हूँ क्योंकि मेरी अभी मेकअप कॉल है। मेकअप होना इतना है जल्दी, आज रात के 2-4 बजे तक मैंने वहां से वाइंड अप करना है क्योंकि मेरा सनराइज के दौरान मेरा और अरीब का होना है शूट। तो आज के दिन की क्या सूरत हाल रहती है कि आपको सब क्या कितना मेहनत करते हैं। आप लोगों ने मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से आप लोगों के लिए व्लॉग कर रही हूं। आई नो बहुत बड़ी बात है, व्लॉग्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। सो द थिंग इज दैट के हर लड़की की जिंदगी का एक स्पेशल मोमेंट होता है, लेकिन मेरे लिए ये स्पेशल के साथ साथ बहुत इमोशनल मोमेंट भी है। बट मैं अपने आप को बहुत मजबूती से, बिकॉज आई एम अ स्ट्रांग गर्ल, और मैं अपने आप को मजबूती से कंट्रोल करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ी हूं। लेकिन कितने देर तक कंट्रोल कर पाती है वो भी देखना पड़ेगा। मुझे लेना है शावर। मेरे बाल देखें, जो पिछले एक अरसे से जो है ना वो मैं अपने बालों की स्टाइलिंग करा रही हूँ जब से मेरे इवेंट्स चल रहे हैं। आप लोगों ने पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने आपसे अपना शैम्पू शेयर किया था, तो मैं यूज करती हूँ मैकले लंडन थिक एंड डेंस जो कि हेयर बोटॉक्स थेरेपी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैकले लंडन, ये लंडन का ब्रांड है? जी नहीं, ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसका जो है शैम्पू इतना अमेजिंग है कि इससे आपके बालों में वॉल्यूम आता है, आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा पक्का स्पॉन्सर्ड कोटिंग पाकिस्तानी प्रोडक्ट। अभी जो है वो फिलहाल मैं शावर लेने जा रही हूँ। लास्ट को वही यहाँ पे ब्राइड मेड्स आज सही सिस्टर ही चेंज हो गए, वो लहंगा के नीचे जो पकड़ने वाली थी। लेके चलो 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 चलो, तुम किधर जा रही हो? गाइस मैंने शावर नहीं हाथ में क्या पकड़ लिया, पागल हो? शैम्पू मेरे सूटकेस में डालो। वैसे एक बात बताऊं, तुमने मेरा चुराया ना, ये मेरा है। जी नहीं, मेरा। याद है मैं दुबई लेके गई थी अपने साथ? याद है मुझे, तुमने मुझे यार आप बाकी तुम लेके जा रही हो, कितनी चोर हो यार। देख मेरे बाल इतने वो थे और इतने प्यारे हो गए इस शैम्पू से, तो मैं साथ ना लेके जाऊँ। पर मुझे क्या स्पॉन्सर्ड ये पोर्शन बहुत अच्छा, यूज करते करते लेके जा रही हूँ ना, मुझे दे दो ये, मैं अपनी सौगात यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम मुझे गिफ्ट करो कि मैं ले जाऊँ। मैं कह रही हूँ वो मेमोरी है गाइस जो मैं इस घर से लेके जा रही हूँ, और मैं इस घर से अपनी बहुत सारी यादें अपने शैम्पू लेके जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये छोड़ दो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज्यादा सारे उसके बाद दो अरीब के घर पे जाएंगे। मर्जी है भाई पैक करके। ओ माय गॉड, नया स्टॉक मंगवा लो, अभी फिलहाल मैं हो रही हूँ लेट, तुम निकलो हाथ में जो पकड़ा हुआ है। तो ये ब्राइड सामान रख रही है, आपकी का लहंगा लेके आ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप बना रही हूँ तो वो लहंगा कौन उठाएगा। अयो तो इतना भारी है, ये पहनेंगी कैसे? पहनोगी कैसे, इतना भारी है ये। दुल्हन को ट्रिक्स आते हैं सारे। देख ये मैं ये पकड़ लेती हूँ, तुम ले लो। रोस्टिंग चल रहा है। मामा ने अपनी चादर उतार के दिया तुम्हें। मामा ने कहा मेरी बेटी को ठंड ना लग जाए, बाल गीले हैं। मामा की शॉल जा रही है, मामा को इसको ना अपने मामा फिर रोने लग जाएंगी, इसलिए चलो अब निकलो। ओ भाई अच्छा सा तैयार होके आना, मैं वीडियो कॉल करूंगी बीच बीच में। ठीक है, अभी जो है ना वो माहा खालिद की टीम इस्लामाबाद से यहाँ पे आ चुकी है मुझे तैयार करने के लिए। लेट्स सी मेरी आज क्या लुक होती है। आप सोच रहे होंगे कि पागल है, इतनी सुबह सुबह तैयार हो रही है, तो इतनी सुबह सुबह का मतलब यही है कि हम लोगों ने भाई शूट कराना है। बारात जिंदगी में एक बार आती है, आई डोंट वांट कि मैं लेट हो जाऊँ, इसलिए मैं आज सोती नहीं हूँ। चलते हैं अपनी लोकेशन पे। मैं बस यही सोच रहा हूँ, अच्छा हुआ मैं लड़की नहीं हूँ, मैं इतना मेहनत नहीं कर पाता। मेरे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आपको बाल ड्राई करके दिखाती हूँ क्या फाइनल रिजल्ट आया था मैकले लंडन का आफ्टर शावर। गाइस ये है मेरा ड्रेस।
ड्रेस ये देखिए, अभी मैं बस पहन के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए थे, अब हो रहा है मेरा मेकअप और साथ में हेयर डू। मेकअप तो हल्की आंच पे ज्यादा सारा हो चुका है, हेयर डू भी हो रहा है। अब ये मेरे बालों में इतना सारा स्प्रे लगा रहे हैं, इतना सारा स्प्रे लगाने के बाद ना बाल बचते नहीं है। आपको पता है कि मैं यूज करती हूँ लंदन। बस समझ गए हम लोग। सोने सो सकती हूँ मैं? सो जाओ। कितनी अच्छी है ना, कह रही है सो जाए। मेकअप खराब हो गया फिर क्या करेंगी? आपको बता दूंगी जब उठना होगा। आपने कहना मेरी मेहनत से सारा पानी फेर दिया। अब मैं लगी हूँ सोने, ये मेरा गुड नाइट टाइम है और साथ हो रहे हैं मेरे मेकअप लुक जनरेट। फाइनल लुक करके दिखाती हूँ। चलें जी गाइस, मैं हूँ रेडी। उठने के बाद लोग ऐसे दिखते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा। मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो आई हुई थी, उन लोगों ने मुझे तैयार किया और वो लोग वापस इस्लामाबाद चले गए क्योंकि वो वहां से ट्रैवल करके आए थे। मैं अपनी फ्रेंड के स्टूडियो में, अमीर लोग का लाइफ ही अलग होता है। एक्चुअली ज्वेलरी थी वो बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उन्होंने कहा कि हम 10 बजे तक डिलीवर करेंगे, तो अभी सुबह के 10 बज गए और पूरा टाइम मैंने क्या किया, एक मुझे बहुत ही इजी कैजुअल सी चेयर मिली और मैं इस पे सिर्फ आंखें बंद करके ये ब्लैंकेट लेके सो गई। और अब मेरी कॉफी वगैरह आ चुकी है और अब मेरा नेल वगैरह का काम होना है, वो मैं यहाँ से कराऊंगी। तब तक मेरी स्टाइलिस्ट दोबारा आ जाएगी एंड देन हम ज्वेलरी वगैरह सेट करते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर हम पहुंचेंगे अपनी शूट की लोकेशन पे, जिसके लिए मैं सारी रात जागती हूँ। यहाँ मेरा दुपट्टा ऐसा प्रोटोकॉल ले रहा है, बेचारा प्रेस नहीं था, मैं करना भूल गई, ये लाइन पड़ी थी, तो यहाँ स्टीमर नहीं अवेलेबल था तो हम ब्लो ड्राई से है के गाइस। अगर कभी कपड़े और आप बस हेयर ड्राई हो तो आप यू कैन आयरन योर ड्रेस। और अब मेरी जो हेयर स्टाइलिस्ट बहुत अच्छी लग रही है और वो मेरे बालों का जो सोच हो के मैंने खराब किया था पहले उनको सेट करेंगे, उसके बाद हम ज्वेलरी वेयर करेंगे एंड देन आई विल शो यू माय होल लुक। चलें जी गाइस, मेरी ज्वेलरी आ चुकी है फाइनली, मेरी ज्वेलरी से स्टाइलिंग होने लगी है। ये मैंने जिंदगी में पहली बार नोज पिन पहनी और मैंने बहुत देर से सोचा हुआ था कि मैं अपनी शादी पे पहनूंगी, तो आज अच्छा। फाइनली वो दिन आ गया तो मैंने नोज पिन पहन ली। और ये जो हेयर के स्ट्रैंड्स आगे रखा ना वो भी बहुत अच्छा, काफी इंडियन लुक लग रहा है ना। ये सेट खरीदा है, इंडियन और पाकिस्तानी बहुत सिमिलर ही होता है ना वैसे। सो ब्लेस्ड। और अभी कोई मेरे साथ नहीं, सब अपने अपने सैलून गए हैं तैयार होने के लिए, को नहीं पता था कि ये सेट मुझे पहना हुआ कैसा लगेगा क्योंकि इसमें ना उनकी सेंटीमेंट वैल्यूज ऐड है, तो उन्होंने सिर्फ मुझे खरीद के दे दिया है कि भाई अब जाओ और पहनो। अब पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होता देख के, ये हम जाके देखेंगे सबको। अभी मैंने किसी को अपनी लुक नहीं दिखाई है, आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ। आप लोग बताएं कमेंट में अभी कैसी लग रही है। दुपट्टा सेटिंग होगी, एक दुपट्टा ऐसे आएगा, एक दुपट्टा सर पे आएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी फुल ड्रेस। मेरा जो फुल ड्रेस है ये हिरा हानियाज ने भी बहुत प्यार से बनाया है, एक चीज जो मैंने कही थी ना उन्होंने बनाना है शूट करने के लिए। और बस कुछ ही टाइम में दूल्हे साहब लेने आएंगे क्योंकि मेरा दूल्हा दुल्हन का इकट्ठा शूट है, तो अरीब साहब का रिएक्शन अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है रिएक्शन, देखना है अरीब का, देखते हैं उनका रिएक्शन मेरी लुक को देख के क्या होता है। हमें मेरी तो नहीं हो रही, एटलीस्ट अरीब अरीब के खुशी में मैं खुश हो जाऊँ। मैंने खुद ही रिकॉर्ड कर लिया अपनी फर्स्ट लुक। आप लोग जाके नान चने खाएं, पकौड़े खाएं, समोसे खाएं। मैंने लाइफ में पहली बार ये पहना है और मुझे इतना अजीब लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। करते निकलते हैं, अभी निकलते हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं। करवाने का अच्छा हो गया आई लोग निकल गए थे सैलून से, लेकिन अरीब कितना प्यार से देख रहा था। मतलब वो पूरी ड्रेस नहीं पहनी हुई अपने, ये बस सलवार कमीज पहनी। वेयर इज योर शेरवानी? मैं तुम्हें देख के वैसे ही हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का के हट्टा कट्टा है? हट्टा कट्टा नहीं, हक्का बक्का। क्यों? माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, रूप आया दुल्हन वाला ऐसा वैसा, सारा रूप तुम्हें ही आ गया। अच्छा तारीफ कर रहा है। यहाँ से सीधा लोकेशन उतार लेना, मेरी नजर लग जानी आ रही। ना लगाएंगे, जोर जोर से लगा ले नजर। अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे, नजर आप खुद ही उतारेंगे सही अभी, और अभी हम सीधा लोकेशन पे पहुंचेंगे और मैं अपने घर भी इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं फ्री हो गई हूँ अब सैलून से और अब मैं जा रही हूँ लोकेशन पे शूट कराने के लिए, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। यार अरीब ये क्या हो गया यार, लोगों की शादियाँ जिनपे बारिश होती थी मैं इतना मजाक करती थी, ठीक है,
और मेरी बरात में बारिश शुरू हो गई है, हमेशा ऐसा कैसा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, बड़े बड़े मोमेंट्स में कुछ ना कुछ होता है। अरे बरात में बारिश हो रही है, मतलब रहमतें बरस रही हैं। वाह 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 वाह, सुबह से इंतजार कर रही हूँ शूट की लोकेशन का, फाइनली गाइस धूप निकल आई, अरे धूप निकल आई, यहाँ इतनी अच्छी लग रही है कि बारिश भी इसको देख के गिरने लगी है, और कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दूल्हे राजा भी बाहर खड़े में, इतनी देर से वेट करके कब से मुझे वेट कराए जा रहे हो। वाह भाई वाह, हाँ भाई वाह। गाइस मेरा हो रहा है यहाँ पे शूट, हम लोकेशन पे आ गए थे और लोकेशन पे सुकून से आ गए। ये है इकरा की फुल, बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस, आपने कह दिया तो ज्यादा अच्छा फील। चल चलो चलो शूट कराओ, तुम डिस्टर्ब हो रही हो, बाद में दिखाते हैं। okay. मैं ही फुल लगा दिखाना। सो गाइस फाइनली लोकेशन पे हमारा शूट हो गया है, बहुत थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। अब जो है वो एक और लोकेशन है, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे फोटोग्राफर्स ने काफी सारी प्रॉब्स जो है वो जमा की हुई है। अल्लाह जाने पता नहीं क्या करने वाले हैं, कैमरा से आगे जो है ना वो हैक्स लगाए हुए हैं, सारे जो यहाँ पे कचरे में शॉपर पड़े हुए थे वो सारे इनके कैमराज के आगे लगे हुए। कोई नई कलाकारी लगाने वाले हैं वो इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील्स और पिक्चर्स पोस्ट हो रही है उससे आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है। ओ माई गॉड, दिस इज माई हस्बैंड्स फुल लुक, माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी नाइस। आपका ड्रेस किसने स्टाइल किया? मेरी बेगम। और उस वक्त आपने क्या कहा था, आई गॉट टू वेयर ब्लैक कलर, आई चूज दिस कलर क्योंकि मेरे साथ मैच हो रहा था आज, तो मुझको मैचिंग करना ही करना। शूज भी फुल करने वाला है मैच, प्रॉपर दूल्हे राजा पर स्कूल लेके कभी ऐसे भी वही चीज पूछ सकता है तो तब पहनावा होगा। अभी चलते हैं अगली लोकेशन, मुझे बहुत सेकंड लोकेशन पे आ गए। और मैडम को देखो, शूट नहीं खत्म हुआ, अरे मैं मेहंदियां दिखा रही हूं, शूट करा रही है कि तो बरात है कि तो शादी है, जल्दी आ जाओ जल्दी, तुम्हारी जिंदगी की शूट आज करा के जाओ, जल्दी कर लो मैंने जाना है फेराबंदी के लिए, सारे इंतजार कर रहे हैं। मेरी फेराबंदी नहीं, तुम्हारा फेरा सज गया होगा, मेरा सजना है। गाइस यहाँ पे हमारा शूट हो रहा है, अब बस फूल पत्तियाँ, इसकी आखिरी शॉट है, यहाँ पे आखिरी शॉट है, इसके बाद निकलना है। गाइस चेहरा बंदी होगी मेरी, एक रह जाएंगी घर, वहाँ से टचअप करेंगी, फिर हम जाएंगे वेन्यू पे, मेरी एंट्री होगी अपने पेरेंट्स के साथ, वो आपको सब अभी ये होना ही जरा था, ट्रेलर था, पिक्चर इंस्टाग्राम पे मिलेगा। मैं शूट करा करा के थक गई हूँ, ऐसा थकने वाला मेरे दोस्त, इनके इंस्टा को चेक करना पड़ेगा वैसे। आई गेस ये भी इंस्टा के लिए शूट कर रहा हूँ। चलें जी गाइस, हम लोग हो गए थे अपने शूट लोकेशन से फ्री 4 घंटे बाद। अरे इतने प्यारे लगोगे तो शूट में टाइम तो लगेगा ना, अपना शूट करवाया अच्छा लग रहा है, 3 घंटे का शूट हुआ। अब जब पिक्चर्स आएंगी ना उसमें, हर पिक्चर में मेरे साथ जब अरीब होगा ना तो फिर आप ऐड कर लेना कि वो बनता है, आज बनता है, आज हमारी शादी है यार, 4:30 भी करवाती तो मैं कहता आज बनता है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं सीधा लोकेशन पे, ज्यादा ही स्वीट नहीं है दोनों, थोड़ा सा नर्वसनेस वाला जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है कि पहले तुम घर जाओ, घर से अपना सारा सही करके सेट करके काफी देर से तैयार हुई हो, हाँ टचअप होएगा दोबारा क्योंकि सुबह से तैयार हुई, फिर लोकेशन पे जाओ, मैं तुम्हें उतार के जाऊंगा उधर सहराबंदी के लिए, ठीक है, फिर हम लोकेशन पे मिलेंगे, फिर मिलेंगे, आप बारात लेके आएंगे ढूम ढुमकड़म, किस पे लेकर आ रहे हो बारात वो बाद में पता लगेगा जी, देखते हैं। चलो जी गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं घर जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा थक गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लेकिन अगला ब्लॉग इससे ज्यादा मजेदार होने और हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे भी रिएक्ट करने वाले हैं, पूरा इवेंट होगा, मेरी रुखसती होगी, मेरी एंट्रीज होंगी, मेरी बहने, मेरी फैमिली होगी, तो वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगा। अभी चलते हैं, पहुंचते हैं, लेट्स गो, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वैसे इस वीडियो पे मेरा बस एक ही रिएक्शन है, इतना परफेक्ट और इतने क्यूट कपल को देखने के बाद बस ये फील हो रहा है, फीलिंग जेलस विथ वन अदर। बात ये कि जेलस ही नहीं फील हो रहा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम एंड बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत ही। लेकिन ऐसा ऐसे वीडियोस को देखने के बाद बस यही लगता है हमारा टाइम कब आएगा, तो वो तो है बस जब लड़की मिल जाए। वो तो है, जल्द से जल्द राज की शादी करवा दूं फिर मिल जाए, लड़की ढूंढ लो यार, कोई लड़की मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं। सब्सक्राइबर्स को भी ये काम दे दिया है कि अभी आप लोग भी ढूंढ लो, सिंगल अल्ट्रा प्रो मैक्स सिंगल हूं मैं तो।
अच्छा, और मैं सिर्फ सिंगल बेस मॉडल। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो को डिस्कस करना अच्छी है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, और इकरा का लुक, इवन अरीब भी बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो हम लोग ने उसको लास्ट टाइम देखा था, आई थिंक एंगेजमेंट में देखा था, बहुत ही सिंपल सिंपल पहना था उसने। ये दोनों का जितना भी ये जो भी फंक्शन हुआ उसमें ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और बहुत का ये लोग का बहुत अच्छा ये है जो कन्वर्सेशन होता है, मतलब वीडियोस में वो बहुत जबरदस्त होता है, क्यूट, और फ्लर्ट भी अच्छा कर रहा था एक दूसरे के साथ, तो मजा आया देख के। एंड और बहुत बहुत मुबारक इन लोग को। हाँ यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे भी रिएक्ट करेंगे, तो मिलेंगे होपफुली कल या परसों ही, उसका भी रिएक्शन आ जाएगा। तो That's it for this video. Original, वैसे original link top of the description में, make sure to support Sistrology. And Ikra ने इतना मेहनत किया है खुद के शादी, खुद के बारात के दिन में शूट करके, एक तो फोटो शूट भी था उनका, ना सो के फिर भी व्लॉग बनाना, 4 घंटा फोटो शूट, बहुत डेडिकेशन लगता, और 2 बजे से वो सो ही नहीं है, फिर भी वीडियो बनाया आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय बाय।